दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को अब 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दशकों बाद घाटी में इतना बड़ा आतंकी हमला देखा गया। दोपहर करीब 3:30 बजे दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से अचानक CRPF कॉन्वॉय पर आतंकी हमले की खबर आई। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई मुठभेड़ है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद साफ हो गया कि हमला दशकों बाद घाटी में हुआ एक खतरनाक आतंकी हमला था, जिसे 22 साल के जैश मोहम्मद आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ने अंजाम दिया था। लेकिन आदिल के पिता या उसके घर वालों को इस बात की खबर ही नहीं थी कि वो आतंकी संगठन से जुड़ गया है। बता दें कि आदिल 350 किलोग्राम विस्फोटक से भरी एक SUV लेकर CRPF जवानों से भरी बस से जाकर भिड़ गया और देखते ही देखते करीब 40 जवान शहीद हो गए। आदिल एक स्कूल ड्रॉप आउट था और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि एक मासूम से चेहरे वाला आदिल इतना घिनौना काम भी कर सकता है। आदिल के पिता गुलाम हसन डार की माने तो उन्हें उसके आतंकी बनने की जानकारी तब मिली जब उसने बंदूक उठा ली थी। आदिल के पिता के मुताबिक वो एक स्कूल जाने वाला बच्चा था। वो आतंकी बन सकता है, इस बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया। बता दें कि 12वीं तक गुंडीबाग के लोकल स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आदिल ने मार्च 2017 में स्कूल छोड़ दिया था। ये गांव उस जगह से बस 10 किलोमीटर ही दूर है जहां पर हमला हुआ। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक डार घाटी में कैटेगरी C का आतंकी था और उसने साल 2018 में संगठन ज्वाइन किया था। मार्च 2019 में आदिल अचानक एक दिन गायब हो गया और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस अधिकारियों की माने तो आदिल एक दुकान में काम करता था। यहाँ पर वो लकड़ी डिब्बे बनाने का काम करता था। ऑफिसर्स के मुताबिक वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम नहीं था, कभी प्रार्थना या फिर नमाज नियमित तौर पर नहीं पढ़ता था। उस दिन आदिल अपने घर लंच करने आया था और फिर काम पर वापस लौट गया। इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक आदिल कहाँ था कोई नहीं जानता था, उसका फोन स्विच ऑफ था। 23 मार्च 2018 उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गांव वालों की माने तो स्कूल से ड्रॉप आउट डार का चचेरा भाई भी एक आतंकी था और एक एनकाउंटर में मारा गया था। जैसे ही सुसाइड अटैक की खबर आई, गुंडीबाग में डार के अंतिम संस्कारों की तैयारियां होने लगी। गांव वालों ने अधिकारियों को भी जगह पर नहीं जाने दिया। डार जैश में भर्ती हुआ तीसरा फिदायीन था। डार से पहले त्राल के 16 साल के फरदीन अहमद खान को जैश ने शामिल किया था। उसने 31 दिसंबर 2017 को एनकाउंटर में 3 आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों को ढेर कर दिया था। फरदीन ने पुलवामा स्थित CRPF के ट्रेनिंग कैंप में दाखिल होने की कोशिश की थी। उस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद अफाक अहमद शाह जो 17 साल का था, वो घाटी का पहला लोकल फिदायीन था। उसने साल 2000 में श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के हेडक्वार्टर्स के सामने खुद को उड़ा दिया था। उस हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे, वो भी जैश मोहम्मद से जुड़ा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।